तो ये जर्नी हमारी शुरू होती है इंदौर के रेलवे स्टेशन से सिक्किम तक पहुंचने की। कामाख्या वीकली एक्सप्रेस में मेरा सफर शुरू होता है सिक्किम तक, एक्चुअली सिक्किम तक नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक के लिए। तो ट्रेन ले जाती है मुझे सबसे पहले यहाँ से यूपी, यूपी से लेकर जाती है बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल। और ये ना एक्चुअली मेरा सबसे पहला सोलो ट्रिप है, पहली बार मैं अपने घर से अकेले इतनी दूर कहीं जा रहा हूँ, तो पूरी रात भर मैं सो नहीं पाया था। शूट करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपना खाना खाने ट्रेन में, दाल चावल वगैरह जो उनकी प्रॉपर थाली होती है वो उन्होंने ला कर दी थी 120 रुपीस की। चलो तो फाइनली हम उतर गए हैं अभी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। स्टेशन आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ रास्ता कैसा क्या है यहाँ से बाहर निकलने का। और हमको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी के बाद वहाँ से शायद बस मिलेगी। बताता हूँ स्टेशन से निकल के यहाँ पे जो आपको एस्केलेटर मिलेंगे यहाँ से आपको जाना है ऊपर और उधर राइट साइड पे हम लोग निकलेंगे। यहाँ से उस साइड जाकर और वहाँ से नीचे उतरेंगे और फिर देखते हैं वहाँ से किधर ऑटो मिलता है। गैंगटॉक के कुछ 500 चार्जेस हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से, या फिर आप जा सकते हैं सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बस चलती है जो 300-350 में आपको छोड़ देगी। ये था हमारा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, यहाँ से आपको टैक्सी कैब और सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप टूर पैकेज भी इनके साथ लेते हैं तो आपको कितने 300 में छोड़ देंगे। हाँ। और टूर पैकेज नहीं रहेगा तो 500 रुपये लगेगा। एक बढ़िया खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप रास्ते में ना आप लोगों को ये वाला एक प्यारा सा होटल मिलेगा, यहाँ पर एक्चुअली फास्ट फूड भी मिल जाएगा आपको और प्रॉपर खाना भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में यदि खिड़की वाली सीट मिल गई तो ये जो इतना प्यारा व्यू है नदी का और पहाड़ों का, ये देखते देखते आप अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं यदि आपने ट्रेन में नहीं खाया हो तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। ये भी एक्चुअली लोकेशन रास्ते में मिल जाएगी। अभी समझ में आ रहा है सिक्किम को जन्नत क्यों बोलते हैं। अभी तो सिक्किम हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से वहाँ तक। और वैसे तो मैं पीछे का भी मेन सिक्किम का भी पूरा एरिया कवर करूँगा, बाकी पहुँचने से पहले ही इतना ज़्यादा सुंदर सिक्किम निकलेगा सोचा नहीं था, अभी तो एंटर ही नहीं किया हमने सिक्किम में। और बाकी आप पीछे का पूरा व्यू देख सकते हो। हाँ, बाकी की बातें अब आगे चल के सिक्किम में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये बाय बाय बोलकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं भागते हुए नीचे जा रहा था, ढलान थी और नीचे भागते हुए सबके सामने मेन रोड पर गिर गया, छिले हुए हाथ पैर लेकर मेरा फिर स्वागत हुआ सिक्किम में। सिक्किम का ये है टैक्सी स्टैंड, कुछ ऐसी जगह पे आप लोग उतरेंगे और यहाँ से मैंने तो होटल लाल बाज़ार की बुक की है तो मैं यहाँ से सीधे चले जाऊँगा, वहाँ से लाल बाज़ार मिल जाएगा। बहुत लंबा मेरा टूर हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर के लिए। तो लाल बाज़ार में ना मैंने होटल लोनार रेसिडेंसी बुक किया था और मैं बता दे रहा हूँ ये जो एरिया जो टैक्सी स्टैंड है ना वो एक्चुअली देवराली नाम की जगह पर है। और आप लोग ध्यान दें कि ये लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली 100-250 रुपीज़ चार्ज करते हैं लेकिन इसके सिर्फ 20-35 रुपीज़ मैक्स चार्ज है देवराली से लाल बाज़ार जाने की। देवराली है हमारा टैक्सी स्टैंड। चलो भाई तो अभी आ गया हूँ मैं रूम के अंदर, होटल बुक किया है 600 रुपीज़ एक नाइट का स्टे है, ये ऐसा रूम है मेरा। होटल में पूरा सामान रखने के बाद मैं निकला रात की सैर के लिए MG मार्ग पर।
अभी मैं हूँ एमजी मार्ग पे, और जहाँ तक मैंने देखा है एमजी मार्ग जो पूरा है वो पूरा स्ट्रीट फूड, कैरियोके, वाइन बार और इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है। रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं और लोकल लोग भी यहाँ पर शायद तक दिन और रात भर घूमते रहते हैं। और मैं एक बार आपको पूरा टूर करा देता हूँ एमजी मार्ग गैंगटॉक में। और अभी जहाँ तक ये दो दिन मेरे को हो गए यहाँ पर आए हुए, दो दिन में मैंने जितना भी यहाँ पर देखा है तो मेरे को ये समझ में आया है कि ये जो पूरा एरिया है ये यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड और कैरियोके बार्स और रेस्टोरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ कि यहाँ पे यदि आप लोग आते हैं तो आपको लोकल लोगों से मिलने का बहुत बढ़िया एक मौका मिला है। पीछे देख रहे हैं आप जैसे कैरियोके बार वगैरह है और यहीं पे रेस्टोरेंट भी है, तो लोग गाना भी गाते रहते हैं और साथ में खाना भी चलता रहता है। थोड़ी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि यहाँ पे क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं और एमजी मार्ग बेसिकली क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा एमजी मार्ग का टूर। और देख सकते हैं आप एमजी मार्ग यहाँ की मॉल रोड भी कहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये भी सुंदर था। तो आप भी यहाँ पर अपनी शाम की सैर के लिए निकल सकते हैं और सैर करके वापस होटल आ जाइए, और नेक्स्ट डे आप या तो ईस्ट सिक्किम घूमने जा सकते हैं या वेस्ट सिक्किम घूमने जा सकते हैं। और फिर सुबह उठकर मैंने अपने जो गैस स्टोव था उस पर पानी गर्म किया। गर्म पानी करने के बाद मैं निकला 10 जगह घूमने के लिए, जो 10 वहाँ की व्यू पॉइंट्स थे। पतंग वाटरफॉल्स पीछे मेरे, और यहाँ पे जिप लाइन भी कर सकते हैं आप लोग पहाड़ पे। जो ऊपर से लाइन गई है इसके पर पर्सन कुछ 100 रुपीज़ चार्ज है। और ये ऐसी कुछ जगह थी, कुछ 2-3 किलोमीटर था हमारे मेन गैंगटॉक होटल से। चलो, तो हमने कैब बुक करी थी कुछ 10 जगह के लिए कि हमको लोकल गैंगटॉक में जो 10 फेमस जगह है या जो 10 टूरिस्ट प्लेसेस है भैया जो हैं, और 10 जगह के उन्होंने एक टैक्सी में हम लोग 4 जाने और 1800 रुपये चार्ज कर रहे हैं 10 जगह के। और बाकी सबसे पहली टूरिस्ट प्लेस में हमारी यही थी बातंग वाटरफॉल। सब चलते हैं नेक्स्ट जगह की ओर। चलो, इस ब्लॉग में हम सेकंड जगह आ गए हैं, यहाँ की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और यहाँ पे शायद गेट पर एंट्री टिकट लगेगी। तो सेकंड प्लेस हमारे ब्लॉग में ये है यहाँ की मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहाँ तक है। तो ये है हमारी फोर्थ प्लेस वाटरफॉल्स यहाँ की। और थर्ड जगह हमने स्किप कर दी, वो थी कंचनजंगा की साइट सीन। वहाँ पे रास्ते में से मतलब एक जो पहाड़ में सबसे ऊंची जो हमारी पीक है कंचनजंगा, वो दिखती है, लेकिन अभी कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो देख नहीं पाए, इसलिए वो जगह स्किप करके हम आ गए हैं यहाँ के वाटरफॉल्स को देखने के लिए। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत कोहरा है, बट जब हम देख रहे हैं तो दिख रहा है, कैमरे में शायद रिकॉर्ड ना हो पाए। गणेश टोक से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे वहाँ के जू, और जू में भी हमने बहुत सारे डिफरेंट जानवर देखे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने चीता देखा, चीता के बाद फिर हम लोगों ने रेड पांडा देखा, और रेड पांडा के बाद फिर बड़े बड़े पेड़। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो इतने सारे जो अलग अलग हमने जानवर देखे, जू बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन जो जानवर थे उनके अलावा हम लोगों को जिसमें मज़ा आया वो था एक क्रीपी सा पांडा, जो आप इसको देख पा रहे होंगे। इसको मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोग रात में देख लेंगे ना तो पक्का डर जाएंगे। इसकी आंखें इतनी खतरनाक थी, पता नहीं मतलब किसी टाइप का ये पांडा यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ था। और जैसे हर थोड़ी देर में अलग अलग जगह पे ये पांडा हम लोगों को दिख जा रहा था, और एकदम से यदि इसको कोई देखे तो सच में डर जाए। हर 2-3 मिनट में एक जगह उन्होंने ये पांडा की एक्चुअली डस्टबिन टाइप की बना के रखी हुई थी, तो ये थोड़ा ऊपर का क्लियर एक व्यू दिख जाता है। बाकी जू बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और जू के हम लोगों को के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लग गए थे। तो थोड़ा आप देखकर अपना ट्रिप प्लान कीजिए। ये हमारी 7th जगह जो है फ्लावर एग्जीबिशन वैली, और यहाँ पे पूरा फ्लावर्स की एक वैली टाइप की, मतलब छोटी सी यहाँ पे एग्जीबिशन टाइप का पूरा फ्लावर्स का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे पीछे दिख रहा होगा। तो हमारी एक जगह और बीच में स्किप हो गई थी, जो एक और गार्डन टाइप का था। बाकी आपको इसका व्यू मैं दिखाता हूँ। आप लोग भी यदि गैंगटॉक आते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन 10 व्यू पॉइंट्स के बजाय आप
उस दिन बाइक या फिर जो भी आप रेंट पे लेना चाहते हैं स्कूटी, वो लेकर आप लोकल गैंगटॉक का टूर कर ले और शाम को एमजी रोड पर घूमकर रात में स्टे करें और सुबह ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम या फिर नॉर्थ सिक्किम के लिए भी निकल जाएं। इन जगह को मेरा रिकमेंडेशन नहीं करने का एक कारण ये भी है कि जो वाटरफॉल्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी 10 व्यू पॉइंट्स में, वाटरफॉल्स, गार्डन्स और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम में भी देखने को मिलेंगी। भाई तो व्लॉग देख लो, ये एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी इतना सब कुछ मुझे देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है जिसकी अभी वीडियो बनाते समय मेरा एक्चुअली जो पूरा व्यू था वो चले गया, बट शाम के टाइम बहुत प्यारा, अभी थोड़ी देर के लिए पूरा कोहरा हट गया था और उसके बाद बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। तो सुबह तक तो मैं ये सोच रहा था कि आज का इस होटल में स्टे में पूरे पैसे मेरे बर्बाद हुए, लेकिन जितनी बार ये व्यू देखो ऐसा लगता है कि क्या ही कहना है। यहाँ से आकर ये 405 मेरा रूम था पहले ही, ऐसा बैग पैक करके निकल रहा था। जो मेरा स्टे था वो यहाँ दी होटल लोनार लीजर में था और यहाँ से यदि आप जाते हैं एमजी मार्ग तो आपको रास्ता बता देता हूँ मैं। एमजी मार्ग पे जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ गई हैं यहाँ से ऊपर जाना होगा, ऊपर जाके लेफ्ट लेंगे तो सीधे एमजी मार्ग पे पहुँचेंगे। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ पेलिंग के लिए जो कि है वेस्ट सिक्किम में, और उसका भी आप ब्लॉग देख ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।